टाइम हो रहा है 4:53। हम यहाँ पे आए थे 1:30 बजे और ये है पेट्रोल पंप है। मैं यहाँ पे चेयर पे लेटा हुआ था और भैया यहाँ पे नीचे चादर बिछा के लेटे हुए थे, तो कहीं होटल मिलने वाला नहीं है यार। किस्मत होगा तो शायद कोई दे दे, मतलब किस्मत से एक आध कोई मिल जाए, जैसे हमें मिल गया था उधर इंदौर साइड में। उसके बाद एक भी होटल भाई रहने के लिए तो मिल, मतलब भूल ही जाओगे कोई देने वाला। अब बाइक से निकल रहे हो, खाने वाने का तो टेंशन आपको नहीं होगा, लेकिन सोने में सोचना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम यहाँ से पहले लखनऊ जाएंगे, यहाँ से बस 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फिर गोरखपुर हो जाएगा। यहाँ से गोरखपुर 353 किलोमीटर है, तो 80 उसमें से हटा देंगे तो हो जाएगा 280 किलोमीटर लगभग। तो कोशिश ये करेंगे कि अभी 5 लगभग बजने वाला है, 1 बजे तक कैसे भी हार्डली हम गोरखपुर पहुँच जाए। गोरखपुर पहुँच जाएंगे तो फिर झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि गोरखपुर के बाद मेरा घर 200 किलोमीटर ही पड़ेगा। मतलब हार्डली एट लास्ट आज हम अपने घर पहुँच जाएंगे, रात तक कैसे भी। बहुत मुश्किल रात था भाई, बहुत मुश्किल भी नहीं, मतलब सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा यार। फिर आप प्रॉपर, मैं मतलब प्रॉपर नींद बिल्कुल नहीं लिया हूँ अभी भी, मतलब नींद ही है सर के अंदर, आँख में नींद लगा ही हुआ है। अब थोड़ा दूर बाइक चलाऊँगा तो फिर ये खुल जाएगा, सूखना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिल रहा है, भागम भाग वाला सिस्टम है यहाँ पे। और एक और बात, यहाँ पे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनसे इतनी इनकी फट रही है। खैर ठीक है, वो फटेगा ही, इतना ऐसा बीमारी है, सब इतना डरे हुए हैं, मतलब इतना क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं इस बीमारी को लेकर। हर एक इंसान बहुत डरा हुआ है, और अगर इस डर में आप ये बता दो कि आप महाराष्ट्र से आए हो MH, फिर तो फटके ही हाथ भी आ जाती है इनकी। अगर उसमें भी पता चल जाए कि मुंबई से लौंडे आए हैं तो फिर तो पूछो ही मत यार, फिर तो हमारी तरफ देखेंगे पैर सर पे लेके भागेंगे। ऐसा चल रहा है भाई पूरे रास्ते में। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे भी बात नहीं कर पाऊँगा। पहले कैसे भी चाहता हूँ कि अब घर पहुँचूँ और घर पहुँच के रिलैक्स करूँगा, उसके बाद बनाऊँगा 2 वीडियो अलग बनेंगे। एक तो पहले यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर बनाऊँगा जो मेरे साथ आज किस्सा हुआ, और दूसरा बनाएंगे अपनी ट्रिप के ऊपर ओवरऑल क्या है क्या नहीं। खैर ठीक है, अभी का तो कट गया जैसे तैसे। हम लगभग मैं 2 बजे सो आऊँगा, 2:30 बजे या 1:30 बजे सो ही गया था, तो बस कट रहा है जैसे तैसे। बस हमने ये कोशिश की थी कि मतलब इतना तो नींद ले ले कि कम से कम आगे 200 किलोमीटर तो कम से कम पलके झपकेंगे नहीं, इतना तो सो ही है अभी। क्या भैया 200-300 किलोमीटर तो पलक नहीं ना झपकेगा अब? हाँ अब तो सही है ना। तो बस भैया भी रेडी हैं, हम भी रेडी हो गए। भैया बाइक को पोछने में लगे हुआ है, जब बाइक गंदा हो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है 3 चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेना, जो कि आपको रोड पर विजुअल रखता है, टेल लाइट, इंडिकेटर, हेडलाइट। मैं जब ट्रिप पर होता हूँ तो अगर मुझे पूरा गाड़ी साफ़ नहीं करना होता तो मैं बस ये 3 चीज़ों को करके छोड़ देता हूँ। और हाँ साइड में मेरा तो एक साइड मिरर काम से गया है, मतलब ख़राब नहीं हुआ है बट वो लूज इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे तो ये डर लग रहा था चलते चलते वो खुल के गिर ना जाए, तो फिर अभी खुल जाए तो हाथ में रख लूँ मैं बैग में, चलते चलते गिरेगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अभी के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं इसको, अभी तो 5 बज गया और गाड़ी अभी यही एक टाइम है कि यहाँ पे मतलब सुबह लगभग 4 से लेके 5 बजे से जो स्टार्ट होता है ना टाइम, उस समय गाड़ियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं रोड पे, हाईवे पे, तो ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट है। और यहाँ से मुझे तो लखनऊ का दिख रहा है कि कुछ रोड क्लोजर आ गया है, मतलब बन रहा है, तो 80 किलोमीटर का ही 2-2.5 घंटा का टाइमिंग दिखा रहा है गूगल मैप पर। गूगल मैप थोड़ा बहुत मिला जुला के ठीक ठाक टाइमिंग बता भी देता है, तो खैर हमारा बाइक है शायद उतना टाइम ना लगे, पर फिर भी देखते हैं आगे। फिर रास्ते पे घूम के फिर आपको बताते हैं क्या कैसे जा रहा हमारा ट्रिप ये पूरा। फिलहाल के लिए बाय और हाँ गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव।
तो भाई अब राइड हमारे यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, बस अब निकले। यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम लोग, हम लोग बस बढ़ते जाएंगे। मतलब अंदर तो आ गए लेकिन फिर बाईपास से हम लोग बाहर करके हाईवे के ऊपर से आ गए गोरखपुर की ओर। अभी हम लखनऊ से बाहर निकलने वाले हैं, आउटर ही, और ये हाईवे 240 किलोमीटर सीधा हमें लगभग गोरखपुर ले जाएगा। गोरखपुर वैसे आपसे 260 है, तो वहीं गोरखपुर तक का ही है सीधा ये हाईवे 240 किलोमीटर। चार पकोड़े एक ही पकड़े से देते अलग अलग, पहले दो 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 करके देना अलग अलग। अभी हम लोग लखनऊ से 33 किलोमीटर आ गए और यहाँ से गोरखपुर है 240 किलोमीटर है गोरखपुर, और टाइम हो रहा है अभी 7:03। हम 5 बजे निकले थे कानपुर से, और अभी तक हम लोग कानपुर से अभी तक हम लोग 2 घंटे में कानपुर से 128 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। कानपुर से लखनऊ वाला रास्ता भी बहुत ख़राब था, बहुत मतलब अच्छा हुआ रात को हम वहाँ से निकले नहीं कानपुर से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा था। अब यहाँ से 240 किलोमीटर है गोरखपुर, हाईवे तो बहुत अच्छा लगे, मतलब सही है। अगर ऐसा हाईवे पूरा रहा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 240 किलोमीटर के लिए लगेगा हमें 3 घंटे, तो अगर नॉन स्टॉप चले तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। 100 का स्पीड में तो 110-100 का स्पीड मेंटेन करेगा। अभी तक 3940 का ऑयल मेरे बाइक में लगा है, 390 में। और भैया तुम अभी तक कितना डलवा लिए? 3000 के आसपास है, 3000 के ऊपर ही है। गड़बड़ में पानी नहीं चल रहा है, हाँ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। चला इनका मैं 900 ज़्यादा पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। तो अभी यहाँ पे हम बस खा रहे हैं पकौड़ा और चाय, क्योंकि इसके सिवा और कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे अंकल के पास। देखते हैं कैसा बना हुआ। उस होटल का नाम है इंडियन ढाबा, सही है। यहाँ पे तो हो गया हमारा नाश्ता, अभी तक चाय खाया, चाय पिया और पकौड़ा खाया। तो अब यहाँ से 240 किलोमीटर है गोरखपुर। We'll be right back.
अभी हमने पेट्रोल भरवा लिया है 500 का फिर से, तो अब 4440 का फ्यूल अप हो चुका है अभी तक। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गोरखपुर है 150 किलोमीटर, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम रामपुर रोटी जा रहे हैं, वहाँ पे भैया के कोई रिलेटिव्स हैं, तो हम वैसे भी रात में अच्छे से सोए नहीं थे, तो भैया बोले कि वहाँ पे चल के रेस्ट करते हैं पहले, उसके बाद जब होगा शाम को या फिर सुबह में फिर से राइड स्टार्ट करेंगे। पहले तो जाते सोएंगे। फिलहाल समय हो रहा है 1:17 हो रहा है, हमें रामपुर गांव में ये भैया के रिलेटिव्स हैं, अंकल हैं, तो हम यहाँ पे आ गए थे 11 बजे आके पहले हम सोए, अभी उठे, नहाए धोए, खाना खा लिया और अभी थोड़ा देर और रेस्ट करेंगे। हम लगभग 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। अंकल तो मना कर रहे हैं जाने से, बोल रहे हैं कि रुक जाओ यहीं पर सो फिर जाना, पर ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि आज कैसे भी हमें घर पहुंचना है, क्योंकि यही प्लान था हमारा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे आके, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ आपको सीन, ये चारों तरफ पेड़ पौधे, ये एक बाइक यहाँ लगा हुआ है, एक बाइक वहाँ पे लगा हुआ है, ये घर है, ये इधर चारों तरफ पेड़ पौधा, ये घर, इसके वहाँ पर भी एक और घर है इनका। हम रामनगर से निकल रहे हैं यहाँ पर, हम आए थे लगभग 11 बजे और अभी टाइम हो रहा है 3:40 और हमें जाना है 260 किलोमीटर और, कोशिश ये करेंगे कि 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देखते हैं आराम से ही जाऊँगा, क्योंकि भैया तो अब गोरखपुर से कट जाएंगे, उसके बाद मैं लगभग 200 किलोमीटर मुझे अकेले ही जाना है। आंटी प्रणाम। हाँ ठीक है, तीन नंबर LMT मिल गया है, अब इससे हम अपना मीरा टाइप करते हैं। इधर जाना है, गोरखपुर के अब हम आउटर से निकलने वाले हैं। ये कैसे जा रहे हैं? ये बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, गोरखपुर नहीं जाने मिलेगा भाई, देख लो ब्लॉक किया हुआ है, आउटर से आप जा सकते हो बस, वो गोरखपुर पूरा ब्लॉक।
कहाँ कहाँ? तो फिलहाल मैं बिहार बॉर्डर पे आ गया हूँ, जहाँ से मेरा घर बस 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे चारों तरफ देखो लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉल हर जिला का लगा हुआ है, एक एक करके स्टॉल। आपको अगर फोर व्हीलर पे हो या बस पे हो तो वहाँ पे जाके आपको एंट्री करवाना है, बस अपने गाड़ी नंबर देना है, अपना नाम करवाना है। और इस साइड में है थर्मल स्कैनिंग, आपको पहले एंट्री करवाना है फिर थर्मल स्कैनिंग होगा। अगर आपका थर्मल स्कैनिंग सही निकला, मतलब अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल निकला तो आपको यहाँ से आगे जाने मिलेगा, नहीं तो फिर या अपने गाड़ी से आपको अपने ज़िला भेजेंगे, आपके ज़िला, नहीं तो फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे भी इनका स्पेस हो क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पे करेंगे। तो मेरा तो टू व्हीलर था, यहाँ पे टू व्हीलर का एंट्री नहीं हो रहा है, बस मैंने थर्मल करवाया ऑल ओके है और एंट्री बस करवा दी। वहाँ पे नाम पता डलवाया, गाड़ी नंबर नहीं लिया उन लोगों ने, बाकी 10-15 दिन ऐसा करेगा घर में बैठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना 390, काफ़ी थका हुआ हूँ और बस ज़्यादा कुछ नहीं, अब आगे निकलते हैं क्योंकि लेट ना हो जाऊँ मैं, मुझे कैसे भी 8:30-9 तक पहुँच ही जाना है, क्योंकि इसके बाद रास्ता क्या पता कैसा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई बिहार है। ठीक है, चलिए मिलते हैं रास्ते, ओके बाय। जैसा मैं बोला था वैसा ही है, देख लो रूट यही मिलने वाला है। तो जो मैं पहले किया था शॉप को हार्ड किया था, क्योंकि वो मुंबई मध्य प्रदेश के लिए शॉप को एडजस्ट किया गया था, अब बिहार के लिए एडजस्ट करते हैं, यानी इसको सॉफ्ट करते हैं। तो ये है लगभग 5 पे, तो इसको हम वापस से 2 पे कर देंगे डिफॉल्ट, बस करना कुछ नहीं है इसका। इसका। यहाँ पे इसको फंसाना है, यहाँ से फंसा लेते हैं और इसको वापस 1-4 पे आया। अब इधर से एक बार सिस्टम लगा हो गया, 2 पे डिफॉल्ट कर दिया मैंने इसे, ये रहा 1 और ये रहा 2। Mm-hmm.